सो गाइस ऐसा है कुछ मार्तन टेंपल का व्यू। तो ये देखो ऊपर टेंपल है, पहले मैं आपको नीचे का पूरा दिखा देता हूँ, देन ऊपर फिर आपको दिखाऊंगा मैं नीचे नीचे पूरा पूरा ए टू जेड। पहले ये दिखा लेता हूँ, फिर ऊपर हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो भी हमें पूरा बताएंगे। अगर वो नहीं बताए चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको पूरा पूरा। ये यहाँ पे हम सुबह 8 बजे तक निकाल सकते हैं। ये है कमल कुंड, यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा का पूरा पूरा तालाब मछलियों से भरा हुआ है। बीच में हमारे महादेव विराजमान हैं, वो देखिए वहाँ पे बीच में आपको शिवलिंग दिख रहा होगा। ये भाई पूरा का पूरा मार्तन टेंपल है, ऊपर भी ले जाता हूँ, पहले इसको देख लो आप पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये है कमल कुंड जहाँ पे हम सुबह 8 बजे नहा सकते हैं, बट सिर्फ सुबह 8 बजे तक, उसके बाद नहीं, वो भी सिर्फ बाहर बाहर ही। बट मैं बोलूँ यार इतना खूबसूरत पानी, इतना खूबसूरत पानी देखो यार आप एक बार, मतलब मैं बोलूँ हद से ज़्यादा खूबसूरत है। और वो देखो बीच में जो शिवलिंग है यार, पानी के बीचों बीच, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ और हो सकता है? ये देखिए ये पूरा का पूरा टेंपल है। हाँ अब हम मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर आपको दिखा देता हूँ। पूछ लिया मैंने, ये आ गया हमारा मार्तंड टेंपल। गाइस हमारे साथ ये पंडित जी जुड़ चुके हैं, अब ये हमें पूरा मार्तंड टेंपल के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इनके साथ, चलिए सर। आप यहाँ आएंगे, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भारत भूषण साधु, यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्तन तीर्थ का। तो ये जो ये तीर्थ है, ये कश्यप ऋषि जी द्वारा बना, कश्यप ऋषि जो कश्मीर जो था वो पूरा सती सर था, कश्मीर जो था पूरा सती सर था। यहाँ इसको ब्रह्मा विष्णु महेश का वरदान था कि जब कश्यप ऋषि अवतार ले लेंगे तो कश्मीर को, इस धरती को, इसको जल कमल से बाहर कर देंगे। तो उसका वरदान जब पूरा हुआ तो कश्यप ऋषि ने अवतार लिया, तो उसने हज़ारों वर्षों तप करके इसको, पृथ्वी को जल कमल से बाहर करके अपने कमंडल में वो पूरा जल भर के, पूरा इसमें एकत्रित करके यहाँ से बाहर जल वर्ल लेक में डाल दिया और इसको जलगमन से बाहर किया। क्योंकि यह सती सर था, सती कहते हैं पार्वती को, सर कहते हैं इस तालाब को जो इस सती सर था। क्योंकि पार्वती आती थी अंबरनाथ से नहाने को यहाँ कश्मीर, इसमें सती सर में वो यहाँ नहाती थी तो वापस अंबरनाथ वापस चली जाती थी। और इसका कश्यप ऋषि जी द्वारा ही, कश्यप ऋषि की दो पत्नियाँ थे, दिति और आदिति, दिति से दैत और आदिति से देवता हुए। दिति से दैत जो हरणाकश्यप वगैरह, और आदिति से 12 देवता, 12 सूर्य। जो हर महीने की संक्रांति होती है वो 12 महीने की संक्रांति, 12 महीने के सूर्य अलग अलग नाम से होते हैं। तो जैसे कि अर्ध महात्मा से सूर्य का जन्म हुआ है, उसका इसका 13वें सूर्य का जन्म, उत्पत्ति जो हुई है माघ की सप्तमी को हुआ है, उसी दिन इसका जन्म उत्सव मनाया जाता है उसको, जिसको रथखड़ा भी कहते हैं, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, बानो सप्तमी भी कहते हैं, मित्र सप्तमी भी कहते हैं। उसी का यहाँ पर 13वें सूर्य का स्वयंभू मंदिर है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य आदित्य के गर्भ से ही कश्यप ऋषि के द्वारा यहाँ से 13वें सूर्य का ये जो 7 माला मंदिर है, यहीं पर मेन यहीं पर हुआ है, फिर इसी के ऊपर मंदिर बनाया गया है। बाकी मंदिर में बाद में गए, मेरे मेन जो है वहीं पर इसी से जल की धारा निकली है, जो कि स्वयंभू तालाब बना है, स्वयंभू यहाँ पर मिलते हैं। यह सूर्य भगवान की प्रत्यक्ष देव की मूर्ति है, यह 13वें सूर्य की है। ये सूर्य सात गोड़ों पर विराजमान सूर्य देव, जिसका एक ही चक्र होता है, बाकी देवी देवताओं का 2 चक्र 4 चक्र 5 चक्र होते हैं, रथ के होते हैं, मगर सूर्य भगवान के एक ही चक्र होता है। कहते हैं एक चक्र रथ सो दीर्घ कर्णभूषा समय बतु सपीता पद्महस्तो दिवाकर, या ऐसा ये सूर्य भगवान बहुत तेजस्वी माना गया। उधर नहीं, ये सूर्य कुंड है, यहाँ से ये मेन जो है यहीं पर तप करके इसी 13वें सूर्य का यहाँ पर ही उदय हुआ है, और इसी के ऊपर फिर मंदिर बनाया गया है, और यहीं से इसके सूर्य के पाल से ही इसकी जल की धारा निकलती है, जिससे ये सूर्य कुंड बना हुआ है। सूर्य कुंड मार्तन कुंड, जिसको सूर्य गया भी कहते हैं, मार्तन गया भी कहते हैं।
तो ये 13वीं सूरी की जगह है। फिर जब कश्यप ऋषि द्वारा 13वीं सूरी का जन्म हुआ तो सूर्य उसका नाम महार्तन रखा गया, उसका जीवादान करके महार्तन रखा गया, क्योंकि घोर ब्रह्मा विष्णु महेश का वरदान था कि आगे घोरी कलयुग आने वाला है, तो उसमें जो लोग अवगत मरेंगे साफ डस्ट के मरेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होंगी, उसकी जिसकी कहीं गति नहीं है उसकी गति यहाँ पर होती है, क्योंकि ये महार्तन की ये स्वयं भी यहाँ से जल निकलता है। एक मानता है कि एक धारा जो है वो अमरनाथ से शेषनाग से निकलती है, शेषनाग से वो धारा सीधे यहाँ पे नहीं, यहाँ से निकलती एक धारा यहाँ से खुद निकलती है, खुद निकलती है। देखा हुआ है जब इसकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि इसको बहुत बार बनाया गया है, बहुत बार, मगर इसी से इसी की जल से निकलता है। और ये स्वयंभू मछलियाँ हैं, इनका नाम है देव पितरूपी मछलियाँ है, ये अर्णिमा नाम की मछलियाँ है। ये कहते हैं देव पितरूप मत्स्य नाना जलमाही, दर्शन करते हैं जो न पाप मिटे मलमाही। इसका ऐसे है कि भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश का वरदान था शंकर पार्वती को कि जब वो यहाँ पर आएगी उसका पहला पड़ाव माना गया ये अमरनाथ जी का, अमरनाथ जी का पहला पड़ाव, पहला स्नान, पहली पूजा, पहला लंगर यहाँ होता है, तब जाके अमरनाथ के किवाड़ खुलते हैं। हर गुरु पूर्णमासी को विधिवत रूप से यहाँ पर छड़ी आती है, उसका स्नान पूजा होता है, उसके बाद में जब यात्रा शुरू होती है, जब अमर छड़ी शुरू होती है, अमरनाथ के दर्शन श्रावण पूर्णमासी को होता है, उस दिन भी श्रावण दशमी को, पहले अष्टमी को आती, सप्तमी अष्टमी को दो दिन रहती थी, जब से ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया अब दशमी को आती है, फिर दशमी एकादशी पहलगाम, द्वादशी चंद्रवाड़ी, त्रयोदशी शेषनाग, चतुर्दशी पंचतरणी, और फिर पूर्णमासी को सुबह श्रावण पूर्णमासी को अमरनाथ के दर्शन होते हैं। ये जो ऐसा ये महान तीर्थ है, ये सामने महादेव जी का मंदिर है, आगे रघुनाथ जी का मंदिर है, ये महादेव जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर है, ये महादेव महादेव शंकर का मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, और ये आगे रघुनाथ जी का, आगे रघुनाथ जी का मंदिर है। हाँ जी, तो ऐसा ये महान तीर्थ है, ये तीर्थों में इसकी गणना स्वर्ग, स्वर्ग है ये, स्वर्ग तो है ही, कश्मीर तो स्वर्ग है, मगर ये स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी स्वर्ग है ये, क्योंकि जो हर महीने में तिथि घटती बढ़ती रहती है, हर महीने में योग करण वगैरह घटते बैठते हैं, उसका एक महीना अधिक आ जाता है, 2 साल 8 महीने 12 दिन के बाद वो एक महीना बन जाता है, जिसको अधिक मास, परशुत्तम मास, अपनी अपनी प्रदेश बोली में अधिक मास, परशुत्तम मास, लोन का महीना, दुमासा कहते हैं, जो दो मस्याओं के बीच में आता है उसको अधिक मास, परशुत्तम मास कहते हैं, उसी का महीना, उसी का अधिपति ये तीर्थ है। तो उसमें हर 2.5 साल के बाद यहाँ कुंभ लगता, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आए, और भी बाकी जगहों से आए, ऐसे ये सूरी की ऐसे ये महान तीर्थ है ये, क्योंकि यहाँ पर पहले भी अफगान, ईरान से वगैरह जो थे लोग आते थे, इसे सिकंदर श्री गिरी मीरी ने एक बार तोड़ा था इसको, नहीं वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि पांडवों का मंदिर है, जो पांडवों के वक्त का सूर्य मंदिर बनाया हुआ, उसके बाद में ललितादित्य ने उसको बनाया था, ललितादित्य, उसके बाद में उसको सिकंदर बुद्ध शुक्र ने उसको तोड़ा था, वो कोई 2-4 साल में वो लकड़ी लगा करके आग से भस्म लगा कर उसको तोड़ दिया था। ये जो ये स्वयंभू है, ये तीर्थ की जगह है, ये तीर्थ की जगह, तीर्थ की जगह, यहाँ लोग आते हैं, नहाते हैं, मोक्ष करते हैं, अपने पितरों का मोक्ष करते हैं, और ये सूर्य कुंड है, और हर तरीके से यहाँ किसी भी प्रकार का किसी का दोष हो वो यहाँ निवारण होता है, कोई भी हो आत्मशातक बटिनी, किसी प्रकार की दोष हो, घर में अशांति हो वगैरह, पितरों का होता है, और ये ऐसा ये महान तीर्थ है, ऐसे हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं, श्राद्ध पूर्ण करते हैं, एतवार को मेला लगता है, और हर 2.5 साल के बाद यहाँ पर कुंभ लग, जैसे हरिद्वार है, गंगा, प्रयागराज, नासिक, गोदावरी, जैसे वहाँ पर कुंभ लगता है, अर्धकुंभी लगती है, यहाँ 2.5 साल के बाद ये ऐसा लगता है। शुक्रिया सर, धन्यवाद, कल्याण हो, सुख शांति हो। देखा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पंडित जी ने हमें पूरा बताया, पूरा का पूरा ये जितना भी मार्तन टेंपल का इतिहास था पूरा का पूरा हमें बताया, आप लोगों ने देखा, ये है पूरा वो सूर्यदेव का प्राचीन मंदिर, इससे पहले एक पांडवों का मंदिर है, वो 2.5 किलोमीटर आगे, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाए, नहीं जा पाया तो आई एम सॉरी, बट सबसे महान चीज़ है ना ये भाई, स्वर्ग है, स्वर्ग ये भाई, वो झील है जहाँ से स्वयं शेषनाग झील से एक धारा यहाँ पर आती है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पूरा, तो आए चलते हैं बाहर और बताता हूँ। देखनी
हम जा रहे हैं ओल्ड मारकंड टेंपल, जो पांडवों द्वारा बनाया गया था सूर्य भगवान का मंदिर, अब हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। बस दो मिनट में हमने वहाँ पे होना है, बस पहुँचने वाले हैं, देखते रहिए। देख रहे हो मारकंड टेंपल का एक बार भाई, उससे खूबसूरत है कुछ ना भाई? ना ना ना, मैं नहीं बोलूँगा भाई, रास्ता देख रहे हो आप? ओ भाई खूबसूरत 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 यार, खूबसूरती की मिसाल है ये तो। गाइस ये देखो, ये है ओल्ड टेंपल, ओल्ड मारकंड टेंपल, देख रहे हो आप? मां बादशाह भाई क्या चीज़ है यार ये, बहुत प्यारी चीज थी जो तोड़। ठीक है अब जा रहे हैं इसके अंदर। पहले जो आपने देखा वो मेन टेंपल है और ये जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब देख लो आप, ये ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा व्यू है इसका। ओ भाई मज़ेदार व्यू है, आप देख लो यार, इतना खतरनाक, मतलब अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम, सबसे खतरनाक व्यू है ये, सबसे खतरनाक। अंदर जाके दिखाता हूँ पूरा का पूरा ए टू जेड। इट्स कॉल्ड ओल्ड मारकंड टेंपल, देख रहे हो गाइस? यानी जबरदस्त, ओ भाई साहब जबरदस्त जबरदस्त है, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। सी दिस टेंपल, यानी खूबसूरत टेंपल में, जो इससे खतरनाक क्या हो सकता है यार। ओ भाई 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 भाई, स्टेयर्स देख रहे हो आप उस जमाने की, अगर ये मंदिर तोड़ा नहीं ना गया होता, आज तक का सबसे खतरनाक मंदिर होता है ये, देख रहे हो? उस जमाने की, ये उस जमाने का सब कुछ, जो भी मतलब आकृति यहाँ पे, जो भी पेंटिंग वगैरह, जो भी स्कल्पचर वगैरह दिख रहा है, सब यहाँ पे पक्का मूर्ति रखी जाती होगी। ओ भाई मैं बोलो खूबसूरत है खूबसूरत, यहाँ पे देख रहे हो? ये छोटा मोटा टेम्पल ढूंढना था, बहुत बड़ा टेम्पल था जो तोड़ दिया गया भाई, बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक। ओ देख रहे हो आप, पूरा सिस्टम सेट है ना यहाँ पे। चलो गाइस मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। आप देख लो यहाँ से नज़ारा इसका, ओ भाई।